आज फिर से एक बार लाई हूँ मैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ना चने लिए हैं, काले चने, जिसको रात भर भिगो के रखा था। इसको उबाला नहीं, जस्ट भिगो के रखा है। और ये भिगोए हुए चने बस मैं डाल दे रही हूँ मिक्सी के जार में। तो जब तक मैं डाल रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कौन सी सिटी से आप मेरा वीडियो ये देख पा रहे हो, और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर से बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर चने मिक्सी के जार में सब डाल देना है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, एक तो ये एक टमाटर पीसेस ऐसे कट किए हुए, और चलिए इसको हम पीस लेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी है ये। इसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया, अब ये दरदरा सा पीसा है, इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी लहसुन, तो एक ही मैंने लिया है पीस हरी लहसुन का। और इसमें डाल रही हूँ मैं गाजर, तो एक छोटी सी गाजर छील के ऐसे पीसेस कट किए हुए हैं। उसी के साथ थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, साथ ही कुछ कड़ी पत्ती भी इसमें हम ऐड कर देंगे, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और मैं ना दो तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी सेम बैटर का यूज़ करके। थोड़ी सी मैंने अदरक डाल दी, हरी मिर्ची और जीरा भी डाल दिया, और पानी डाल देंगे ताकि हम अच्छी सी इसकी पेस्ट बना सकें और पीसने में दिक्कत ना हो। थोड़ी सी हींग एक चुटकी जितनी डाल दी है, पीस के इसका बढ़िया सा बैटर रेडी कर लेंगे। तो अभी काफ़ी सारा है तो मिक्सर में इतना अच्छे से पीस नहीं रहा था ना, तो मैंने क्या किया, आधा हिस्सा अलग कर दिया और आधे हिस्से में हम कुछ चीज़ और ऐड करेंगे। मतलब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पालक। तो ये पालक और चने का जो कॉम्बिनेशन आज मैंने बनाया है ना, बहुत बहुत हेल्दी है, और इसे बनाइएगा ज़रूर से आप। तो लगभग एक कप भरा हुआ पालक का इसमें आप डाल दें। पालक को मैंने अच्छे से धो लिया था, चॉप कर लिया था, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है अभी, और अच्छा सा इसका बैटर रेडी कर लेंगे। और अभी बढ़िया सी ये देखिए पेस्ट बन के हमारी तैयार हो चुकी है। इसको निकाल देते हैं बोल में, और बाकी बची हुई जो पेस्ट है इसमें भी थोड़ी सी पालक डाल देती हूँ जो बचा के रखी थी, और इसको भी पीस लेंगे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये बैटर बिल्कुल तैयार है हमारा, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और बस इसमें डाल देना है अभी हमें नमक स्वाद के अनुसार। तो जो मैं दो तरह के आपको रेसिपी बता रही, तो पहली वाली रेसिपी में हम इसमें अभी और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट नमक मैंने डाल दिया और बैटर बिल्कुल तैयार है। चलिए तवे को रेडी कर लेते हैं। तवे को आपको हल्के से घी लगा के ग्रीस कर लें, पोंछ लें, और उसके बाद पानी की छींटे लगा के आप इसको सेट कर लें। और पहले मैंने सोचा कि मैं इसका डोसे की तरह बनाऊं, लेकिन ये ना अच्छे से फैलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हमने बाइंडिंग का कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है, ना सूजी, ना कोई चावल वगैरह, चावल का आटा कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया है। तो इसको ना आप चिल्ले की तरह बना सकते हो। ये देखिए, अगर इसको डोसे की तरह फैलाएंगे तो ये फटेगा, तो इसको थिक सा थोड़ा सा हम चिल्ले की तरह बना लेंगे, और खाने में ना बहुत यम्मी लगता है। और डाइटिंग कर रहे हो ना तो ये चिल्ला आप ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में ही चाहे डिनर में आप बना सकते हो इसे, लंच में भी बना सकते हो, कभी भी मतलब खाने का मन करे आप बना सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा पनीर ग्रेट किया हुआ मैं डाल दे रही हूँ, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हो स्किप कर लीजिएगा। थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हल्का सा घी लगा के इसको हम सेक लेंगे। तो धीमी आँच पे सेकना है, और नीचे से जब अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही पलटाएगा, एकदम पहले पलटाओगे तो ये चिल्ला जो है फट जाएगा। अच्छी तरह से सिकने दें, नीचे से आप चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आप इसको पलटा लीजिएगा, फिर आसानी से पलट जाएगा। ये देखिए मैं कैसे पलट रही हूँ, क्योंकि एकदम सॉफ्ट चिल्ला ये बनता है, क्योंकि हमने कुछ बाइंडिंग इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये चिल्ला जो है उल्टा पलटा के इसको सेक लेंगे, और जो नेक्स्ट रेसिपी रहेगी ना उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे बैटर में। तो ये देखिए चिल्ला जो है यम्मी टेस्टी सा चिल्ला, और इसको आप चटनी, मतलब चटनी के साथ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खा लीजिएगा, बहुत बहुत टेस्टी फ्लेवरफुल है। और जो हमारी अगली रेसिपी ना उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी बैटर में मिला देंगे सूजी। तो आप सूजी डाल के भी वो चिल्ला जो मैंने पहले बताया आपको वो बना सकते हो, लेकिन मैंने उसको टोटली ना ऐसे ही रखा कि कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, और चने और पालक का मिक्सअप करके हमने वो चिल्ला बनाया था। इसमें मैंने लगभग एक कप जितनी सूजी डाल दी, 10 मिनट ढककर छोड़ देंगे। सूजी अच्छे से फूल चुकी है, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड कर ले रही हूँ, तो एक बारीक कटा हुआ प्याज टेस्ट को और बढ़ाने के लिए, प्याज नहीं खाते तो स्किप कर लीजिएगा, बारीक कटे हुए हरे धनिए मैंने डाल दिए, अच्छे से मिला देंगे। अब ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है। इस यहाँ पर मैंने लिए आटा ब्रेड, आटा ब्रेड को इसके दो हिस्सों में मैंने कट कर लिया है, और तवे को ग्रीस कर लें, और पीस एक उठा ले ब्रेड का, और ऊपर तरफ से आप ये बैटर जो हमने थिक सा बैटर बनाया है ना ये आप चिपका दें अच्छी तरह से, और बस ये जो चिपका हुआ पोर्शन है ना, मतलब बैटर लगा हुआ, इसको डाल दें इस तरह से तवे पे। और आप चाहो तो ऊपर से वापस से आप ये मिक्सचर लगा सकते हो। आज मैं एक ही साइड से लगा रही हूँ ये, और ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिया, दूसरा पार्ट भी इसी तरह से हम बना लेंगे, और आराम से धीमी आँच पर इसको सिकने देंगे।
तो मेरे बच्चों को ये ब्रेड वाला ना आइटम बहुत पसंद आया था, और बच्चों को आप ये टिफिन में भी डाल के दे सकते हो। बैटर को आप रात में बना के रख लो और सुबह बच्चों को ब्रेड पे लगा के टिफिन में डाल के दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वैसे ही बच्चों को ये ब्रेड वाले आइटम सैंडविच ये वो बहुत पसंद आते हैं ना, और ये आप जब खिलाओगे ना तो और भी खुश हो जाएंगे। मतलब हेल्दी ऑप्शन है काफ़ी। ये देखिए इतना बढ़िया सा कलर आ गया, ब्रेड भी सिक चुकी है और ये जो चिल्लर की तरह हमने जो मिक्सचर लगाया था ये भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी, आपको हेल्दी है कि नहीं जरूर बताएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करो, पेज पे नए पेज को फॉलो करो, इसे ट्राई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहेगुरु जी।